ये भी खोलते हैं दरवाज़ा, चलें बाहर। और हम बाहर आ गए तो अभी माशाल्लाह क्या मौसम चल रहा है, तो हाथ मुंह धो लें, उसके बाद चलते हैं मार्केट से दूध लेने। हमारे इस कॉलोनी में पहली दफ़ा पराठे किसी ने खोले हैं, तो वो चल के उसके पराठे भी देखते हैं। तो ये गीज़र चल जाए तो फिर हम शेंक पे धोएंगे मुंह वहाँ पर, पहले हम ये गीज़र चला लें। गीज़र चल गया। हाथ मुँह धो लिया मैंने, क्रीम श्रीम लगा लें यार, चलते हैं क्रीम लगाएं, क्योंकि सर्दियों की वजह से हाथ और मुंह खुश्क हो जाते हैं ना, इस वजह से थोड़ा हाथों को लगा लें यार। आज स्कूल नहीं जा रहे, तुम्हारा स्कूल नहीं है, अच्छा रिजल्ट का टाइम है, सही सही। चलो उठ जाओ भाई, उठ जाओ जल्दी करो, मैं नाश्ता लेके आऊँ आपके लिए। चलें भाई गेट खोलते हैं, ये लो भाई अभी मेन गेट खुल गया हमारा। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरी दोनों बेटियों का आज रिज़ल्ट आएगा, देखते हैं कितने कितने मार्क्स उठाती हैं और कौन सा नंबर उठाती हैं। और वहाँ पर 2, 3, 4, 5 डोगी के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, और मेरे कज़न के पास बहुत, और कज़न मेरा सफाई कर रहा है बाहर अपने घर की सुबह सुबह उठ के, उसके साथ भी एक डोगी खड़ा है। सर क्या हाल है सर, खेरे तबीयत सही है? एक ईयर आपने आपको मिट्टी में पूरा गंदा कर दिया, ऊपर मुर्गा भी आजान दे रहा है। ये दूध वाले के पास पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है यार, ये दूध दे दो। छबरपट माशूक नाम बहुत अच्छा है, नहीं दोस्तों अगर आपको ये इसका नाम पसंद आए तो कमेंट्स कर देना यार। बाकी थोड़े मरले में बचे हैं सही पराठे हमारे, ये देखें भाई हमारे पराठे तैयार हो गए हैं, देखें अभी कच्चा है यार, इसको उल्टाओ, इसको भी चेक करो, हाँ ये भी कच्चा है, पलटाओ, आग तुम्हारी कम है, बहुत कड़क कर दिए तुमने पराठे यार। काफ़ी दोस्त हैं चीखें मार रहे हैं हमारे पीछे, पता नहीं बिलो घर पहली दफ़ा देखा है इन्होंने पता नहीं क्या। जैसे ही घर पहुँचेंगे तो ये पराठों का नाश्ता और चाय बना के पराठे खाएंगे इसके साथ, और बच्चों को स्कूल भेजेंगे। क्या फातिमा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई है, ड्रेस मैच नहीं पहनी है? भाई इरफान भाई ने तो ड्रेस पहन ली और ये अभी तक ये यहाँ पे खड़ा है सही जैन भाई। अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, हमारा छोटा सा घर यार। आज शाह फातिमा तुम्हारे आपके रिजल्ट है? हाँ रिजल्ट लेने जा रही हो? हाँ कल कहा था कि भाई आप चालान लेके आए, तो उसके बाद क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल है सैयद बनाली शाह, कहा बच्चों को कि भाई रिजल्ट लेके अपना सॉरी चालान लेके आओ, चालान भरवा के आओ तो फिर आपको रिजल्ट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो आज अगर ये चालान लेके जाएगा हमारे सरकारी स्कूल पे तो हमें रिजल्ट मिलेगी मेरे छोटे बेटे को, नहीं तो नहीं मिलेगी, देंगे नहीं। अगर हम एक महीना दो महीना भी अगर ये ना पिलवाएँ ना जमा करवाएँ तो हमें ये नहीं देंगे। उसके उससे पहले हम ये देखें ये जमा करवा के चुके हैं, ये एक ये दो ये तीन ये चार और ये पांचवी, जब से स्कूल खुले हैं ये पांच महीने हमने जमा कराए, ये पांचवा महीना आज हम जमा करवाएंगे। चाय बन गई हमारी, पराठे भी आ गए बाहर से, दूध भी आ गया, समोसे भी आ गए। अरे ईशा फातिमा आ गई, ईशा फातिमा तुम्हें मुंह धो के आई हो, चाय आ गई है। ये जैन भाई चाय पीने के लिए बैठ गया है, ये देखें, और ये ईशा फातिमा भी आ गई है चाय पी अभी। हंसती बहुत है भाई ये कैमरा को देख के हंसती है। व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि यार ईशा फातिमा को लाइक कर देना और कमेंट्स में दुआ ज़रूर करना कि आज इसकी रिज़ल्ट जो है ना माशाल्लाह अच्छी आए और ये पास हो जाए, है ना, मेहनत तो इसने की है माशाल्लाह। चलो भाई, अरे ईशा फातिमा खुदा हाफिज़ करो, भाई स्कूल जा रहे हैं। हाँ तो साईं अभी चलते हैं हम अपनी जॉब पे, ये हमारा टूल बॉक्स। मैं घर पहुंच गया हूँ ड्यूटी से होके, तो अभी जा रहे हैं अंदर, देखें मुन्नी आ गई है रिजल्ट लेके, चलते हैं अभी अंदर।
देखे मुन्नी, ईशा फातिमा आ गई तुम, रिजल्ट लेके आई? हाँ हाँ आ गया रिजल्ट। ओ वाह वाह वाह, किधर, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। अरे पहले तुम कह रही थी नहीं नहीं नहीं, अच्छा सरप्राइज दे रही थी, वाह वाह दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे माशाल्लाह भाई, देखो ईशा फातिमा, रुक जा देखें देखें, तुम्हारे व्यूवर्स को दिखाएं, ए प्लस, ओहो ए प्लस मिला है माशाल्लाह, ए प्लस वन और स्टार भी मिला है, माशाल्लाह माशाल्लाह ईशा फातिमा। ओ यार दोस्तों लाइक कर दो यार ईशा फातिमा को। और गुलाम सकीन आप अभी स्कूल से नहीं आई है, उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। जैन बा जैन ने अपना चालान पिला दिया बैंक में, उसके बाद उसको रिजल्ट देंगे। तो ये है साईं, देखो ऐसे बच्चों को रिजल्ट दे रहे नहीं है, जैसे चालान पिलाओ फिर देंगे। वाह स्कूल वालों का तुम्हारा कानून है साईं।